अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको YouTube प्लेलिस्ट को बनाने और उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बगैर किस देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मेरे सामने मेरे यूट्यूब चैनल ओपन है। आपको यहाँ पर ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट शो हो जाएंगी। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, ये वो प्लेलिस्ट होगी जो आपने मुख्तलिफ टाइम में कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस को लाइक किया था, वो यहाँ पर आपकी जो है इकट्ठी हो जाएंगी। लाइक वीडियोस वाली प्लेलिस्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हम अपनी नई जो प्लेलिस्ट है या कोई भी न्यू प्लेलिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी। तो इसके लिए आपने वीडियोज़ में चले जाना है। वीडियोज़ में जाने के बाद आपके तमाम वीडियोज़ आपके सामने कुछ ऐसे आ जाएंगी। कोई भी यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक वीडियो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके सामने आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। सेकेंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेव टू प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर मेरे पास कोई प्लेलिस्ट मौजूद नहीं, तो मैं यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँगा। न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर सबसे पहले टाइटल का ऑप्शन आएगा। आपने अपनी कोई भी प्लेलिस्ट जो आप बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप टाइटल दे लें। मैं यहाँ पर आपके सामने एक टाइटल दे देता हूँ, ABC। यहाँ से इसे पब्लिक कर दें। पब्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब आप किसी भी वीडियोज़ के इस प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और वीडियो, इसके सामने 3 डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ, सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूँ। नीचे आपको यहाँ पर वो प्लेलिस्ट नज़र आ जाती है, इस पर आपने क्लिक करना और डन कर देना। डन करते ही आप दोबारा प्लेलिस्ट पर जाएं तो वो दूसरी वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, दोनों वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप अपनी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन या टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियोज़ के मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात यहाँ पर दे सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि प्लेलिस्ट के ज़रिए आप व्यूज़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जो प्लेलिस्ट होगी, जैसे ही कोई आपकी प्लेलिस्ट सर्च करता है या कोई वीडियोज़ आपकी देखता है, तो जैसे एक वीडियो ख़त्म हो गई तो आपकी दूसरी वीडियो जो उस प्लेलिस्ट में शामिल होगी वो उसके बाद फ़ौरन ही प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह आपके तमाम प्लेलिस्ट की वीडियोज़ जो हैं वो एक एक करके प्ले होती जाएंगी। इस तरह अगर कोई आपके वीडियोस में इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके तमाम वीडियोस को देखेगा और आपके व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी वीडियोस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं वो हासिल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।